सर्वविभागीय संविदा कर्मचारियों ने अपनी मांग को लेकर बरसते पानी में रैली निकाली और आक्रोश जताया। छत्तीसगढ़ सर्व विभागीय संविदा कर्मचारी महासंघ के बैनर तले कर्मचारियों ने अपनी एक सूत्री मांग नियमितीकरण किए जाने को लेकर धरना प्रदर्शन स्थल से रैली निकाला और आक्रोश जताया। साथ ही रिमझिम बारिश में सभी संविदा महिला कर्मियों ने रैली निकालकर जमकर नारेबाजी की। इस अवसर पर दुर्ग के हिंदी भवन के सामने उन्होंने ज्ञापन सौंपकर सरकार तक अपनी मांग पहुंचाई। इस संबंध में रैली में शामिल महिला कर्मियों ने प्रतिक्रिया दी। अपने जिले में इतना बड़ा तोहफा दिया है स्वास्थ्य कार्य कर्मचारियों को। हम चाहते हैं हमारे छत्तीसगढ़ की सरकार, जो कि हमारी अपनी सरकार है, वो भी हमको स्वास्थ्य कार्यकर्ता कर्मी को एक तोहफा दे, नियमितीकरण करे, समान भाव रखे, क्योंकि हम भी वही काम करते हैं जो एक रेगुलर स्टाफ करते हैं। उनमें और हमें इतना भेदभाव क्यों? आज हमारे 10 साल 15 साल 20 साल 22 साल हो गया संविदा कर्मचारी में काम करते, ना तो हमारा पेमेंट बढ़ता है, ना आज के बच्चे जस्ट रेगुलर होकर निकल रहे हैं, कॉलेज करके निकल रहे हैं, उनको व्यापम के द्वारा एडमिशन मिला जा रहा है। हम कहाँ जाए, हम जैसे लोग कहाँ जाए जिनकी उम्र इतनी हो चुकी, हम तो अब एग्जाम फाइट नहीं कर सकते ना, तो हमारे बारे में सोचे और हमको हमारे लिए कोई आगे कदम उठाए, हमको इस साल का सावन का ये क्या बोलते हैं तोहफा दे के हमारा पेमेंट भी बढ़ाया जाए और हमें परमानेंट किया जाए, क्योंकि इतने कम पैसे में हमारी रोजी रोटी नहीं चल सकती है ना। हम इतने साल से मतलब हेल्थ डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, हम अपना पूरा 24 आवर हम अपना हेल्थ दे रहे हैं, है ना, तो हमको भी बेनिफिट मिलना चाहिए, हमारा भी मांग पूरा करिए। इसमें स्वास्थ्य विभाग में हमारी सरकार स्वास्थ्य विभाग को क्यों भूल जाती है, हम ये जानना चाहते हैं, हमको इतना पीछे क्यों किया है अभी तक सरकार ने, हमारी मांगे पूरी कर दी जाए ना। इतने साल से हम लोग काम कर रहे हैं यहाँ पर, हम लोग हैं यहाँ पर, सबको सेवा देते हैं सर अपनी, तो हमारे लिए भी सोचना चाहिए ना सरकार को सर इस चीज़ के लिए। हमारी सरकार हमारे लिए नहीं सोचेगी तो कौन सोचेगा हमारे लिए, हमारी सरकार को सोचना बनता है हमारे लिए सर, हम यही चाहते हैं अपनी और जाते संविदा को ही हटा दीजिए ना, सीधा सीधा संविदा को ही हटा दीजिए, नियमितीकरण करिए और सीधा संविदा को ही हटा दीजिए। फसल से मांग है, हम जितने भी अनियमित कर्मचारी है उसको नियमितीकरण किया जाए, क्योंकि कम पैसे में हमारी बच्चों की देखभाल नहीं हो सकती, हमारी रोजी रोटी नहीं चल सकती। हम सरकार को अपना 24 आवर्स अपना समय दे रहे हैं और सरकार ने हमारे लिए क्या किया है, अभी तक उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। हमको सरकार से ये उम्मीद है कि हमारे बारे में सोचिए, हमारे बहुत सारे ऐसे कर्मचारी हैं जिनके बड़े बड़े बाल बच्चे हैं, जिनकी उम्र हो चुकी है 15 साल 17 साल से वो कार्य कर रहे हैं, आप इस विभाग में सारे विभाग के कर्मचारी हैं उनको परमानेंट किया जाए, ताकि हमारे हमको भी सरकार को आगे और दोबारा उनको हम वोट दे सके। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।